नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव तस्वीरें, जी हां, लाइव तस्वीरों में आप दर्जन के आसपास आई कार्ड देख पा रहे होंगे, जिसमें ये तमाम आई कार्ड हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के हैं और इसमें कॉन्स्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, डीएसपी तक के आई कार्ड आप देख पा रहे हैं। और किस तरह से एक पुलिस वाले ने ही पुलिसकर्मियों को जो है उनके ऊपर उंगलियां उठाई है और क्या कुछ पूरी कहानी है, तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि किस तरह से पुलिस ने अपनी ही पुलिस को नहीं बख्शा, पुलिस कर्मचारियों पर भी। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग, वाहन चालक जो है पुलिसकर्मियों पर सवाल खड़े करते हैं कि स्टॉप दे करके वो कोई भाग जाता है या फिर उनके चालान किए जाते हैं, तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई आप देख पा रहे हैं कि ना कोई स्टाफ चला, ना किसी तरह की कोई हुजूरी चली। तस्वीरों में हरियाणा पुलिस के फर्जी आई कार्ड आप देख पा रहे हैं, इसमें हर श्रेणी का, हर कैटेगरी का अफसर तस्वीरों में उनके आई कार्ड हैं। क्या कुछ संलिप्तता है, क्या कुछ मामला है पूरा, हेड कॉन्स्टेबल आशीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल मैं ट्रैफिक जो पुलिस थाना है बाबरपुर उसके पास मौजूद हूँ। किस किस के आई कार्ड है आशीष जी, क्या बात है? देखिए, ये पुलिस से लेके अर्ध सैनिक बल, समन विभाग, फायर ब्रिगेड विभाग के कर्मचारियों के फर्जी आईडिया हैं। हाँ जी, ये कौन कौन, किस रैंक अफसर हैं ये? इसमें कॉन्स्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक के तक के अधिकारी हैं। छोड़े नहीं आप लोगों ने ये? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। क्या क्या कमियां थी इनकी, क्या गलतियां थी? ये अपने आइडिया अन्य लोगों को यूज करने के लिए दे देते हैं और जो सरासर कानूनी रूप से बिल्कुल जायज नहीं है और इनको इनका दुरुपयोग होता है, ऐसे दूसरे की आईडी का हर जगह दुरुपयोग होता है। इनको ये नहीं पता भाई, किसी दूसरे की आईडी किसी को देना भी और उसकी यूज करना भी एक संज्ञेय अपराध होता है। इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा, जिसने दे रखी है उस पर भी मुकदमा दर्ज होगा, जो यूज कर रहा है उस पर उनकी जेल भी होगी। लेकिन कई लोग मानते नहीं। अब हमने इसके बारे में एक जागरूकता अभियान चलाया हुआ है भाई, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाएगा, अब के बाद जो पकड़ा गया उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और जिसकी आईडी मिली उसके खिलाफ भी। ये वैसे ही जाने दिया आपने आई कार्ड जब्त कर? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहे थे, जागरूकता के लिए एक मौका, इसलिए ताकि सभी जागरूक हो। उसके बाद रूटीन में चेकअप किया जा रहा है, जिन 99% लोगों ने वापस ले लिए हैं और उसका काफी सुधार हुआ है। इसमें अब यूज करने से लोगों ने वापस ले लिया, अब नहीं ऐसा कोई नजरों में आ रहा जो यूज कर रहा है। कई बार धक्का सही भी करते होंगे भाई, जब उनके पास है नहीं, कोई और इस्तेमाल कर रहा था क्या इनको? हाँ हाँ, ये और कोई इस्तेमाल कर रहा था इनको। अच्छा, टोल वालों से झगड़ा भी होता होगा, टोल वालों की भी टेंशन करती आपने? बात टोल की नहीं होती, उनको ये नहीं पता भाई, ये एक संज्ञेय अपराध आता है, ऐसा हमें नियम नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। बात टोल वगैरह की नहीं है, ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी कार्य है, इससे सभी को बच के रहना चाहिए। क्या कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था इनका आई कार्ड का, फर्जीवाड़ा किस तरह से किया जा रहा था, कोई टोल बचाने के लिए किया जा रहा था या कहाँ इस्तेमाल करते थे इनका? तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी को डराने धमकाने के लिए भी कर सकते हैं, कर्मचारी बन के डरा धमका सकते हैं, हम भाई हम कर्मचारी हैं और ऐसे बदनाम होता है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। इनका कोई आम आदमी कहीं पे भी यूज कर सकता है, किसी को डरा दे, किसी से कुछ वसूली करने लग जाए, हर तरह से यूज हो सकता है इनका। ये नहीं खाली टोल, इनसे गिल के दम पे वसूली करने लग जाएंगे, गरीब जो ड्राइवर है उनको डरा धमका, जनता को डरा धमका कर उनको डरा के वसूली कर सकते हैं। एक चीज और बताइए, आप पत्रकार भी बन गए, हमारा भी काम, हमारी रोजी रोटी भी खराब कर रहे हैं, जब मर्जी आप लाइव आ जाते हैं यहाँ पर। कभी मैंने ये गाड़ी पकड़ी है, डीआईजी की गाड़ी पकड़ी है, किसकी गाड़ी पकड़ी है? देखिए, बात पत्रकारिता का नहीं है, आज के टाइम सोशल मीडिया का टाइम है और संविधान का आर्टिकल 19 हमें सबको ये आजादी देता है भाई, जो अच्छे काम है जिससे कोई जागरूकता आए। देखो, ये
क्राइम में कम करने का यह जागरूकता अभियान भी जो समय समय पर पुलिस द्वारा चलाया जाता है, जागरूकता अभियान ये कोई पत्रकार सिंपल आईडी है अपनी, उससे भाई लोग जागरूक हो, उसका काफी फायदा भी हो रहा है। लोग जैसे सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं अभी ज्यादातर, अब देखते हैं लगातार खड़े होकर चेक करते हैं, कोई बगैर सीट के बेल्ट के नहीं मिलता। रेड एंड ग्रीन लाइटें थी वो भी लोगों ने उतार के रख दी, अभी वो कोई नहीं मिलता। इसका काफी अच्छे तौर पर प्रभाव पड़ा है जनता में, और ये जो आई कार्ड का जो दुरुपयोग कोई वसूली में कर सकता था, कोई कहीं पे फर्जी अफसर बन जाता था, फर्जी पुलिस कर्मचारी बन जाता था, फर्जी अर्धसैनिक बल का सदस्य बन जाता था, उसमें भी 99% तक सुधार हुआ है। एक तो मैंने वीडियो देखी आपने जिसमें अधिकारी की गाड़ी सरकारी गाड़ी का उनके परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो ये अपने देश का दुर्भाग्य है, अभी भी जनता क्या पैसा है जो जनता के टैक्स की कमाई है, कुछ बड़े लेवल के अधिकारी उसमें जो सरकारी गाड़ी होती है अफसर के लिए, जो अफसर है वो यूज करेगा, वो भी कहाँ यूज कर सकता, पब्लिक के हाथ में, जहाँ उसकी ड्यूटी उसको सरकारी काम से पब्लिक सेवा के लिए जाना हो, उसको कहीं पर्सनल शादी में जाना है, रिश्तेदारी में, खुद ऑफिसर को भी अलाउड नहीं। लेकिन उन्होंने तो गदर मचा रखा है, अपने सारे रिश्तेदार उसमें घूमते हैं, फैमिलियां उसमें घूमती, बड़े बड़े आईएएस आईपीएसों की और सेकंड क्लास के अफसरों की और नेताओं की भी ऐसे ही करती होंगी, नेताओं की भी ऐसे सरकारी गाड़ियों का यूज करती होगी। लेकिन यहाँ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और उनको हिदायत दे के चलो ये उन्होंने इसमें गलती माननी भाई, हमारी गलती है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। उसमें भी उनके खिलाफ लेटर लिखे जाएंगे, सरकार को लेटर लिखा जाएगा, जब अगर कोई बड़ा अधिकारी की फैमिली या कोई भी किसी भी सत्र का सेकंड क्लास अधिकारी, फर्स्ट क्लास अधिकारी या नेता, किसी की फैमिली अगर मेरे को चलती मिल गई, हाँ, और मैं उसमें अब तक तो हिदायत के अनुसार मैंने काफी जागरूकता के लिए काफी वीडियो भी इनके डाले हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अब तो सब तक बात पहुंच चुकी है, अब भी मिला तो इनके खिलाफ FIR के लिए सरकार को लिखा जाएगा सीधा। दो तीन दिन से देख पा रहा हूँ कि आपका कोई लाइव नहीं आ रहा, पहले तो पता चल जाता था भाई हलचल थी, कोई बड़ा मामला है, कुछ ना कुछ जब खिलाफत की चीज होती थी, एंटी चीज हो जाती थी तो मिल जाती थी। देखिए वो मेरी फेसबुक आईडी भी ब्लॉक करवा दी गई है, लेकिन ऐसा करवाना नहीं चाहिए, जिसने भी करवाई है ये बहुत गलत बात है किसी की। सभी पुलिस वाले अपनी आईडिया बना रहे हैं, हर आज के दिन हर किसी की अपनी आइडिया है, हर अपनी उसमें शेयर करते हैं, अपनी जो भी बातें पर्सनल लाइफ की भी अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे फैन ज्यादा हैं तो मेरे फैन ज्यादा हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी आईडी को तो नहीं ब्लॉक करवाना चाहिए बार बार। पहले आपका पेज था सिंगम, फिर आया सिंगम रिटर्न, अब ये भी आईडी आपकी बंद है फिलहाल कई दिनों से, आप बता रहे हो सिंगम 3 आने वाली है। अब देखियो पहले सिंगम पानीपत के नाम से लोगों ने बनाया था, वो भी ऐसे ही ब्लॉक मरवा दिया था, फिर बोले भाई सिंगम पानीपत रिटर्न बना दिया लोगों ने, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, अपने आप जो फ्रेंड है उन्होंने बना दिया, तो क्योंकि मुझे आशीष के नाम से कोई नहीं जानता, 99% लोग सिंगम के नाम से ही जानते हैं, आशीष के नाम से, इसलिए उन्होंने यानी कि फैन फॉलोइंग मेरा क्या कसूर है? मेरी जितनी फैन फॉलोइंग होगी तो उसमें मेरी आईडियों को क्यों ये ब्लॉक करवाया जा रहा है बार बार? तीसरी आईडी बन रही है क्या, या इसी को कुछ आप अपील करेंगे? नहीं मैं कोई आईडी और नहीं बनाऊंगा, मैं ना तो मुझे इतना ज्ञान है इनके बारे में, ना मैं इसको ऐसे ये बार बार मेरी आईडियों के साथ छेड़खानी ना करें, सभी के अपनी पर्सनल लाइफ है, सभी के पर्सनल फ्रेंड है, इससे क्या हो रहा है? इससे सुधार ही तो हो रहा है, हर जगह सुधार देख रहे हैं, बगैर सीट बेल्ट के कोई नहीं, जब से ड्यूटी आई है सब में एक मैसेज गया भाई बगैर सीट बेल्ट के मतलब चलो पकड़े जाएंगे, अब चेक कर लो बगैर सीट बेल्ट के ना के बराबर मिलेंगे, फर्जी आई कार्ड वो भी कोई ना के बराबर कोई नहीं मिलेगा, आप चेक कर लो बेशक आगे, और सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग भी काफी हद तक बंद हो गया है, इसमें गलत क्या है? कोई अच्छा है तो संदेश जा रहा है लोगों के पास, ये जनता के टैक्स का तो पैसा है ये, जो कोई अपने कोई सरकार अपनी जेब से तो देती है, थोड़ी देती है, आम पब्लिक टैक्स देती है उससे आगे जाते हैं, लेकिन ये अधिकारी और नेता इसमें कुछ ऐश करते हैं सरकारी जनता के टैक्स के पैसे में। कभी ऐसा भी मन में आया कभी हाईवे पे आप सारा दिन और उलझते भी रहते हो, कभी ऐसा भी आया भाई कुछ हादसा ना हो जाए? नहीं, जरूरत पड़ रही, सब लोग बड़े प्यार से मान रहे हैं, सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं,
और इसमें उलझने की ना तो जरूरत पड़ी और सब नियम में चल रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों को मैं संदेश दूंगा, पहले तो मैं सबसे अपील करूंगा, सबसे मेन बात है जो हमारी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं नियमों को फॉलो ना करने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए और कानून के भी दायरे में रहो। वैसे किसी के साथ झगड़ा मत करो, कोई अवैध तस्करी अवैध जैसे नशा वगैरह ना बेचो। कुल मिला के ये है कि जो गलत काम करते हैं वो गलत काम ना करें। हाँ, गलत काम बंद करके अपना इज्जत से अपना जिंदगी जिए सभी देशवासी। मेरा सभी से यही निवेदन है।